जब कोई इंसान कोमा में जाता है तो वह जिंदा होता है, सांसें ले रहा होता है, लेकिन कॉन्शियस नहीं होता है। कुछ कोमा के केसेस में लोगों में थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन काफ़ी हद तक केस में 100% कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी बीमारी जब इंसान कॉन्शियस हो, उसे पता हो कि वह हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, वह आसपास की चीज़ों को देख रहा हो, लेकिन किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हो। एक ऐसी बीमारी असलियत में एग्जिस्ट करती है जिसे कहा जाता है लॉक्ड इन सिंड्रोम, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट कॉन्शियस तो होता है लेकिन वो किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है। इसमें पेशेंट के आँखों के नीचे का मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। खाना खाना, बोलना, चबाना, सांस लेना, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए उसे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अपना आइज़ को वह मूव कर सकते हैं, अपनी आँखों को आँखों के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे दुनिया का खतरनाक डिसऑर्डर माना गया है क्योंकि इमेजिन करो कि आप अपने ही बॉडी के अंदर ट्रैप हो चुके हो। 2007 में इसी पर एक हॉलीवुड मूवी बनी थी जो बायोग्राफिकल ड्रामा थी, जिसका नाम था डाइविंग व्हील एंड द बटरफ्लाई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब